नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों स्वागत है आपको। बता दें इस वक्त जो नतीजे, जो परिणाम, जो रुझान आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पहले आप ये पूरा स्क्रीन देख लें, उसके बाद मैं आपको बता दूं। यहां पर टीएमसी 206 प्लस, बीजेपी 81 प्लस, 292 सीटों के रुझान और रिजल्ट्स। अगर रुझान आप समझे और रिजल्ट्स मिक्स है, ये लेफ्ट वन, लेफ्ट सिर्फ एक, ये बड़ी बात है। और अदर्स चार यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। असम की बात की जाए तो एनडीए 70, यूपीए 47, अदर्स 9, पुडुचेरी एनडीए 16, यूपीए 12, यानी कि पांच में से दो जगह एनडीए दिखाई दे रही है आपको। यहां पर तमिलनाडु डीएमके क्लीन 140, एआईएडीएमके 87, अदर 7। केरल में बात की जाए एलडीएफ 83, यूडीएफ 43, और ये राहुल जी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनेगी दिग्गजों के साथ छोड़ने के बाद भी ममता को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें आप। और यहां पर जो गौर करने वाली बात है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने की दूसरे नंबर की पार्टी बनी लेफ्ट, और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में पूरी तरह सूपड़ा साफ, पूरी तरह दीदी के गढ़ में ओवैसी भी औंधे मुंह गिरे हैं, यह भी चीज साफ हो गई है। यहां पर ये कुछ चीजें हमारे सामने जो साफ हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से जो जो चीजें आई हैं वो अपने आप में बताती हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहां पर। यह देखें आप, ये कुछ फैक्ट्स हमारे सामने हैं, इनको मैं आपको बता रहा हूं, इनको देखें आप। और ये देखें किस तरीके से टीएमसी 206, बीजेपी 81, और यहां पर अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रोचक रहा जो कुछ भी आपके सामने। क्या अपडेट है, क्विकली बताइए मुझे। देखिए, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच के जो लड़ाई है वो कांटे का टक्कर चल रहा है। कुछ देर पहले एक खबर आया था कि ममता बनर्जी 6 वोट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर आया है ममता बनर्जी 800 वोट से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के। तो लास्ट एक मिनट मैं ये खबर बता दूं, ये जरा ब्रेकिंग तैयार कर ले। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 800 वोटों से आगे चल रही है। कौन से राउंड की काउंटिंग चल रही है ये? देखिए 17th राउंड का काउंटिंग ये चल रहा है और ये ही शायद आखिरी राउंड है। इसके बाद पूरा डिसीजन आ जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी जैसे कि हम सभी बता रहे थे, तृणमूल कांग्रेस 207 सीट से आगे हैं और बीजेपी करीब 85 सीट से आगे चल रहा है। ठीक है, परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।